नमस्कार। GIS बेस्ट CBSE स्कूल कहो या बेस्ट विद्यार्थी खिलाड़ियों के सपनों को साकार करने वाला स्कूल, GIS अपने श्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणामों के लिए तो जाना ही जाता है। यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड मिट्टी को सोना बनाने की हिमाकत रखते हैं। GIS गुणवत्ता युक्त शिक्षा का स्थान तो है ही, ये खिलाड़ियों को तैयार करने वाली ऐसी रूरा भूमि है जिसकी उत्पादकता में साल दर साल वृद्धि होती जा रही है। GIS के स्पोर्ट्स ग्राउंड में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो जुनून है, वो जज्बा है कि यहाँ के कोच पत्थर को हीरा बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो GIS की इस उपलब्धि के लिए चार पंक्तियाँ। खेलों में नाम जिसका है प्रसिद्ध, नाम उसका GIS है। जिले में सर्वाधिक पदकों को जीतने में जो हर नंबर वन, नाम उसका GIS है। सर्वाधिक राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों वाला स्कूल भी तो GIS है। नेटबॉल बास्केटबॉल के बादशाह वाला स्कूल GIS है। GIS है तो मुमकिन है। नामक कार्यक्रम में मैं रामपाल भारती, विद्यालय चेयरमैन श्रीमान संपत बेनीवाल, विद्यालय प्राचार्य श्रीमान रोहिता सडूडी, विद्वान शिक्षकों, विदुषी शिक्षिका हूँ और प्यारे बच्चों के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाल ही में 8 से 12 सितंबर तक जिले की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 67वीं जिला स्तरीय स्पर्धाएं आयोजित हुई। इन स्पर्धाओं में अलग अलग आयु वर्ग में जिस स्कूल के सर्वाधिक विद्यार्थी खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय स्पर्धाओं के लिए हुआ है उसका नाम है गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल गुड़ा गोरजी। इसी कारण आज हमारे कार्यक्रम का नाम है GIS है तो मुमकिन है। आइए अब बात करते हैं एक एक स्पर्धा के बारे में कि हमने किन किन स्पर्धाओं में मेडल जीते हैं और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभाएं अनेक जिलों में खेलने के लिए जाएंगी। सबसे पहले 14 वर्षीय छात्र छात्रा बास्केटबॉल स्पर्धा, ये स्पर्धाएं जिले के डूडलोद विद्यापीठ स्कूल के खेल मैदान पर आयोजित हुई थी। आपको बता दें कि 14 वर्षीय छात्र समूह में 15 टीमें थी जिसमें GIS ने 15 टीमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के एक खिलाड़ी को बेस्ट प्लेयर ऑफ झुंझुनू का अवार्ड दिया गया है और उसका नाम है उदय प्रताप सिंह। इस स्पर्धा में विद्यालय के 3 छात्रों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है, नकुल, दाइमा, उदय प्रताप, राजेंद्र, और ये तीनों छात्र 22 से 26 सितंबर तक कोस्निक चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल राजगढ़ में खेलने जाएंगे। तो क्रम से विद्यालय के कोच श्रीमान नवरंग सोनी को आप देख रहे हैं। 3 खिलाड़ियों का 14 वर्षीय छात्र बास्केटबॉल स्पर्धा में राज्य स्तर पर चयन हुआ है, नकुल दाइमा, उदय प्रताप सिंह और राजेंद्र, बहुत बहुत बधाई। अब 14 वर्षीय टीम से आग्रह की कृपया मंच पर जल्दी आए। अंडर 14 पूरी टीम स्टेट लेवल के लिए हुआ है, जोरदार तालियां। अगली स्पर्धा 19 वर्षीय छात्र वर्ग डूडलोद विद्यापीठ में आयोजित हुई। स्पर्धाओं में जिले की 22 टीमों के बीच टक्कर हुई। जी हां, 22 टीमों में कड़े मुकाबले देखने को मिले। इन स्पर्धाओं में GIS की टीम जिले में तृतीय स्थान पर ही। 19 वर्षीय छात्र वर्ग में अमित कुमार कक्षा 10 का राज्य स्तरीय स्पर्धाओं के लिए चयन हुआ है, जोरदार तालियां। और ये राज्य स्तरीय स्पर्धाएं 19 सितंबर से 24 सितंबर तक बीकानेर के बॉयज स्पोर्ट्स स्कूल में खेली जाएंगी। तो छात्र अमित सहित पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कि ये थर्ड रैंक पर रहे। 14 वर्षीय नेटबॉल स्पर्धा की बात करेंगे। 67वीं जिला स्तरीय नेटबॉल स्पर्धाएं 8 से 12 सितंबर को गुड़ा गोड़जी के पेनोरमा स्कूल में आयोजित हुई थी। जब GIS जिले में नहीं हारता है, राजस्थान में भी नहीं हारता है, तो ये गुड़ा गोड़जी में कैसे हार सकता है। यहाँ के खिलाड़ी गुड़ा गोड़जी की मिट्टी के तो लोकल बॉय और लोकल गर्ल्स है और यहाँ तो जीतना हमारी पहचान थी, हमारा वजूद था, हमारा अस्तित्व था। पेनोरमा में आयोजित हुई स्पर्धाओं में 14 वर्षीय छात्रा टीम ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जोरदार। बेस्ट प्लेयर ऑफ झुंझुनू का खिताब मिला छात्रा निशिता को। यह है आपके सामने जो 14 वर्षीय नेटबॉल टीम है उसको आप देख रहे हैं और यह बड़ी सी ट्रॉफी इस बात का संकेत है कि हम पूरे जिले में प्रथम स्थान पर हैं। और यह बेस्ट ऑफ प्लेयर का अवार्ड जो छात्रा निशिता के नाम है। तो सबसे पहले मैं निशिता को और शुभकामनाएं देते हुए एक सुंदर मुस्कान के साथ एक सुंदर फोटो के लिए आमंत्रित करूंगा। बेस्ट प्लेयर ऑफ झुंझुनू का खिताब मिला है छात्र निशिता को और 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में GIS की तरफ से 6 छात्राओं का चयन राज्य स्तर पर हुआ है। जी हां, 6।
जो छात्र हैं आप देख रहे हैं उनमें छह छात्राओं का चयन राज्य स्तर पर हुआ है, जिनका नाम है पूजा, खुशबू, निशिता, साक्षी कुमारी, साक्षी प्यारेलाल और मनु। इन सभी छात्राओं का राज्य स्तरीय स्पर्धाओं के लिए चयन हुआ है, तो जोरदार तालियां। तो हाथ में मेडल लेकर सामने देखिए सुंदर फोटो और करवाएं, मेडल हाथ में लेकर एक फोटो। धन्यवाद। अब यहाँ आपको सूचित करते हैं कि इन स्पर्धाओं में जीआईएस की 14 वर्षीय छात्र टीम ने भी नेटबॉल स्पर्धा में जीआईएस का नाम रोशन किया है और जीआईएस के 5 विद्यार्थियों नितिन, पारस, यश, पंकज सिंह, समर्थ चौधरी का चयन राज्य स्तरीय स्पर्धाओं के लिए हुआ है। जी हाँ, अंडर 14 बॉयज टीम में 5 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय हुआ है। चमचमाती ट्रॉफियां इस बात का संकेत कि जीआईएस के बास्केटबॉल कोर्ट में और नेटबॉल कोर्ट में पसीना बहाया जाता है और ये पसीना आज एक अच्छी फसल के रूप में, एक अच्छे मेडल या राज्य स्तरीय इवेंट में जीतने के रूप में आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है। 14 वर्षीय राज्य स्तरीय नेटबॉल स्पर्धाएं खेली जाएंगी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुर में। नाम है कुश्ती स्पर्धा और कुश्ती स्पर्धा में जीआईएस ने एक बार पुनः पूरे जिले में 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, 2 सिल्वर प्राप्त किए हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो कुश्ती स्पर्धा के सभी प्रतिभागियों को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के साथ हमारे बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Dear children, you know 67th district level championship of different games is going on in the district at different places. Most of the games and sports are already over. A few are still left. And under 17 and under 19 netball, these two games are still left where our teams are ready to go and participate. As we all know that Junjunu is well known for academics and for different achievements in Rajasthan in Sekhawati. And in Junjunu, it is GIS Gudagorji which makes its presence in every activity, in every aspect of learning and especially there in school education. Apart from academics, we are really doing well there in co-curricular activities and now it's the turn for the games and sports. The very first team, that is of athletics. Our athletics teams, girls and boys, both have qualified to be there in district and from district they qualified to participate there at the state level. So that is first team. Of course, it's not first team. There may be more than one team, but it's a first event. That is athletics event. And in athletics, there are different events, 100 meter, 200 meter, 80 meter, steeplechase, high jump, long jump, so many events are there in athletics and our players really participated there at the state level for different these activities. That is the first one. Second one, basketball. Basketball matches were conducted at Dundlod Vidyapeeth, 67th district level basketball championship and we are very happy to see that our teams got gold medal and silver medal respectively in terms of their categories. Now coming to netball, in netball also we were the first and second in the district in different categories under 14 and under 17 boys and girls. So we need to really be very happy. It is not only getting over here itself, it is the wrestling championship also that our four students they really won their medals, gold medals and silver medals in district wrestling championship also. So we need to really feel that games and sports are really very important and the children, those who are going at district level, from there they go to the state level. What actually we learn there in games and sports? I openly tell that it is not only the physical fitness, it is the mental fitness. It is the emotional balance making event. Why emotional making? Because once we lose anything, it is very difficult to tolerate it. Our face, our expressions,
our feelings, our body language, everything gets shattered and it is very difficult. So dissembling and assembling your mind and your emotion gives a lot of exercise to your brain to get yourself a stabilized citizen, to get a confident winner. So games and sports are the most important aspect of anybody's development, and especially during the school days.